हेलो दोस्तों, क्या आप विंजो ऐप से फ़ोन पे में पैसा निकालना चाहते हैं? और दोस्तों, आपको नहीं पता है कि विंजो ऐप से फ़ोन पे में पैसा कैसे निकालें? तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि विंजो ऐप से फ़ोन पे में पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली दोस्तों, विंजो ऐप से फ़ोन पे में पैसा निकालने के लिए सबसे पहले तो विंजो ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों, अगर आपके पास विंजो ऐप का लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप डाउनलोड कर लेंगे, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं राइट साइड में वॉलेट का एक ऑप्शन है, सिंपली आपको वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपने विंजो ऐप से जो भी पैसे कमाए हैं गेम खेलकर, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इस पैसे को फ़ोनपे में निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विड्रॉल, तो दोस्तों आपको इस विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आप अपने फ़ोन पे में पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फ़ोन पे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिंक नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लिंक यूपीआई आईडी, तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ोन पे का यूपीआई आईडी इसमें डालना है। अगर दोस्तों आपको यूपीआई आईडी नहीं पता है फ़ोन पे का, तो सिंपली आपको यहाँ से बैक आना है, उसके बाद आपको फ़ोन पे ओपन कर लेना है। जैसे आप फ़ोन पे ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोन पे का होम पेज कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्रांसफ़र मनी, और इसके आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है माई यूपीआई आईडीज, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी जो है देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ यूपीआई आईडी क्या होता है, फ़ोन पे में आपने जो नंबर दिया है उस नंबर में आपका यूपीआई आईडी जुड़ा होता है, वो नंबर होता है @, और उसके बाद आपको एक अल्फ़ाबेट 3 अंक का होता है, वो आपका यूपीआई आईडी होता है। यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी देख लेंगे और इस यूपीआई आईडी को अपने विंजो ऐप में यहाँ पे ऐड कर देना है। चलिए यहाँ पे मैं अपने यूपीआई आईडी को ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के बॉक्स में जो सबमिट का ऑप्शन है, सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं मेरा फ़ोन पे का यूपीआई आईडी सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। अब आपको यहां पे करना क्या है, ऊपर में आप देखेंगे तो इंटर अमाउंट का ऑप्शन है, तो दोस्तों आप जो भी पैसा निकालना चाहते हैं यहां पे अपना पैसा डालेंगे। जैसा कि मेरे वॉलेट में 10 रुपया है तो मैं अपना 10 रुपया डालता हूँ। 10 रुपया डालने के बाद यहाँ पे विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ए मिनिमम विड्रॉल अमाउंट ऑफ RS 30 इज रिक्वायर्ड टू विड्रॉल योर मनी। तो दोस्तों, अगर आपके विंजो ऐप में 30 रुपये से कम है तो उसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं अपने फ़ोन पे में। अगर आपका 30 रुपये से ज़्यादा है तो दोस्तों आप अपना अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे और विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे आपको यस विड्रॉल आएगा, तो सिंपली आपको यस विड्रॉल करना है और दोस्तों आपका पैसा जो है फ़ोन पे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप विंजो ऐप का पैसा फ़ोन पे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप विंजो ऐप से फोन पे में पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे।